हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फाइनली क्वेश्चन आंसर का एक एपिसोड लेकर आ गए हैं, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उसके हम आंसर आपको करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका प्यार इस वीडियो पर अच्छा मिला तो आगे से हम वीडियो लेकर आएंगे, पक्का आएंगे, और आपकी जो कन्फ्यूज़न है, आपके जो सवाल होंगे उनका उत्तर पक्का देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जिसने पूछा है वो है श्रीधर। तो इन्होंने पूछा है, सर मोल्ड सेफ्टी कैसे सेट करें? तो भाई, मैं आपको बता दूं कि मोल्ड सेफ्टी सेट करना लिखकर या बोलकर नहीं सीखा जाता। इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर मैं आपको बोलकर वीडियो बनाकर या लिखकर सिखाऊंगा तो आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको मोल्ड सेफ्टी सेट करना PLC पर जाके दिखाऊं, जो कि वीडियो बहुत जल्दी आएगी आपके बीच में, और आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको अच्छा समझ में आएगा। जब आपने ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता दूं कि मोल्ड सेफ्टी जो है वो तीन चीज़ों के बेस पर की जाती है। पहला मोल्ड क्लोज टाइम, दूसरा मोल्ड क्लोज प्रेशर, तीसरा मोल्ड क्लोज स्पीड। तो भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए उस वीडियो का, जिसमें आपको मोल्ड सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मुझे सुनते रहोगे लेकिन आप कन्फ्यूज़ होकर समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि PLC पर मैं आपको समझाऊँ कि मोल्ड सेफ्टी कैसे सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये पूछा है जितेंद्र कुमार ने, ये पूछते हैं कि सर, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कितने टन की होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा और उसमें कितने टन का पार्ट बनता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कितने टन की होती है, ये उस पर लिखा होता है। अगर मशीन पुरानी हो गई है, उस पे से मिट गया है, या जो उस पे टैग लगा होता है वो छूट गया है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो मशीन होती है उस पर लिखे होता है बड़े बड़े अक्षरों में कि ये मशीन 80 टन की है, 50 टन की है, 100 टन की है, या जितने भी टन की है उस पर लिखा होता है। इनका ही सेकेंड क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा है कि सर, उसमें कितने टन का पार्ट बनता है? तो मैं आपको बता दूं कि उसमें टनों में पार्ट नहीं बनता, बल्कि ग्राम में पार्ट बनता है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, या जितने ग्राम का भी उसकी कैपेसिटी होगी उतने ग्राम का पार्ट बनता है, टन में पार्ट नहीं बनता। तो दोस्तों, इनका ही एक सेकेंड क्वेश्चन था, ये पूछते हैं कि गौरव सर, मशीन में टेम्परेचर लो और हाई होने का क्या रीज़न हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि फुली ऑटोमेटिक मशीन में या सेमी ऑटोमेटिक मशीन में भी टेम्परेचर लो या हाई नहीं हो सकता। वो 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, क्योंकि जो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है या सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें टेम्परेचर फीड किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 डिग्री या 250 डिग्री उसमें जो सेट किया जाता है, वो उससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाना होता है तो वो वहीं पर कट मार के हीटर को बंद कर देती है। और हीटर बंद हो जाता है जब उसका टेम्परेचर हल्का सा कम होता है, हीटर फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1-2 सेंटीग्रेड का उसमें हाई या लो हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। और आपने पूछा है कि क्या रीज़न हो सकता है, ये रीज़न मैनुअली मशीन में हो सकता है, क्योंकि वो हाथों से चलाई जा सकती है, हाथों से चलाई जाती है, इसलिए उसमें ऑटोमेटिकली हाई या लो टेम्परेचर हो जाता है। दोस्तों, इनका ही अगला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है सर, इंजेक्शन मोल्डिंग में लॉकिंग फंसने का क्या कारण हो सकता है? भाई, लॉकिंग तो नहीं फंसती, उसमें स्प्रू फंसता है। स्प्रू फंसने का कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो है कूलिंग टाइम ज़्यादा होना या कूलिंग ज़्यादा दे देना। और आपने पूछा है कि लॉकिंग क्यों फंसती है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको कि आप क्या सोचकर लॉकिंग कह रहे होंगे। जैसे कि आप मोल्ड बंद कर रहे हो और मोल्ड बंद करके मशीन को आपने बंद कर दिया कुछ दिन के लिए, तो उसके अंदर गैस बन जाता है, मोल्ड के अंदर गैस बन जाता है, वो मोल्ड फिर से जल्दी से खुल नहीं पाता। उसके अंदर जो गैस बनती है उसके कारण खुल नहीं पाता। तो दोस्तों, जब भी आप मशीन को बंद करो 1-2 दिन के लिए या 12 या 14 घंटे के लिए, आप मोल्ड को थोड़ा सा खुला रखिए, ताकि उसमें गैस ना बन पाए और लॉकिंग ना फंस सके। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछा है उदय सिंह ने, ये पूछते हैं कि सर, हीटर कितने प्रकार के होते हैं?
तो भाई मैं आपको बता दूं कि हीटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आप कौन से हीटर के बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर तीन प्रकार के हीटर, तीन टाइप के हीटर यूज़ किए जाते हैं। उनके नाम है, पहला हीटर है बैन हीटर, और दूसरा हीटर है पेंसिल हीटर, तीसरा हीटर है कार्टराइज हीटर। तो इन हीटरों को ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और जो हीटर के लिए वीडियो है वो डिटेल में आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हम लाने वाले हैं, एक क्या वो पार्ट में आएगी, एक दो तीन पार्ट करके आएगी आपके बीच में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछा है कुलदीप कुमार ने, ये पूछते हैं कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो भाई पीडीएफ तो बहुत सारे बच्चों को मिल भी चुका है और बहुत सारे बच्चे जो है बुक करवा चुके हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा? आपको डिस्प्ले पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर है ये, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए, और अपनी पीडीएफ बुक करने के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछा है अमरदीप कुमार ने, ये पूछते हैं कि सर फॉलो पथ क्या होता है? तो भाई फॉलो पथ होता है जिस रास्ते से फ्लो होकर मटेरियल जाता है, जो मेल्ट मटेरियल है जिस रास्ते से फ्लो होकर जाता है उसको ही फॉलो पथ कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछा है मनोज कुमार ने, ये पूछते हैं कि सर कोल्ड स्लग वेल और कोल्ड स्लग दोनों एक ही होता है क्या? हाँ भाई, दोनों एक ही होता है, कोल्ड स्लग वेल और कोल्ड स्लग दोनों एक ही होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ कहना चाहते हैं। ये हैं आदिल अहमद, ये लिखते हैं कि सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, अबव पॉइंट आर रिटन इन हिंदी, आई कांट रीड देम। तो मैं आपको हिंदी में बता दूं कि ये उसके बारे में बात कर रहे हैं जो इस पीडीएफ से आपको पढ़ाया जाता है वीडियो बनाकर। ये उस पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हैं कि सर आप जो पढ़ाते हो उसमें हिंदी में लिखा जाता है और मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता। तो भाई मैं आपको बता दूं, प्लीज़ या तो हिंदी पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो फ़िलहाल हिंदी में ही आती है, इंग्लिश में नहीं आती, तो उसके लिए सॉरी। और आदिल अहमद आगे लिखते हैं, योर लेक्चर ऑन इंजेक्शन मोल्डिंग आर सिंपल एंड गुड। तो आदिल अहमद थैंक यू, आपने हमारे लेक्चर को पसंद किया, उसको अच्छा बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो यही थे कुछ आज के क्वेश्चंस जो हमने अपनी इस वीडियो में शॉर्ट लिस्ट किए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है उसको पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आगे आने वाली वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी ये वीडियो, आपकी अपनी वीडियो है, इसको आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक नीचे प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम और आप दोनों जुड़े रहें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।